उड़द दाल और पालक की रेसिपी तो आपने बहुत खाई है और पसंद भी की है, लेकिन आज जो मैं रेसिपी बना रही हूँ वो तुअर दाल से बना रही हूँ। और ये रेसिपी बिल्कुल देसी स्टाइल में बनने वाली है, जैसे कि हमारे पूर्वज बनाया करते थे, दादी नानी बनाया करती थी। और बिल्कुल ही सिंपल तरीके से बनाऊंगी, झटपट से बनके तैयार हो जाएगी। तो चलो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं हमने इसे कैसे बनाया है। तो यहाँ पे मैं पालक ले ली हूँ 250 ग्राम। ये पालक जो है मैंने अच्छे से धो के काट लिया था छोटा छोटा पीस में। अब हमें करना क्या है, एक कुकर ले लेना है और कुकर में हमें सबसे पहले पालक डालना है जो हमने अच्छे से धो के और काटा है। तो ये देसी पालक है, ये घर का पालक है। आप चाहो तो बाहर का मार्केट में जो मिलता है ले सकते हो। ये घर का जो पालक होता है उसमें बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। तो यहाँ पे मैंने पालक कुकर में डाल लिया है। अब डाल दूँगी एक कटोरी भर के, छोटी कटोरी से एक कटोरी है, ये बड़े कटोरी से आधा कटोरी है दाल मैं यहाँ पे डाल रही हूँ, जिसे मैंने अच्छे से 3-4 पानी से धो लिया था। और बस अब इसमें ऐड करूँगी इसे। आप चाहें तो दाल को फुला के भी बना सकते हैं, लेकिन ये कच्ची दाल में ज़्यादा अच्छा स्वाद आता है। अब मैं इसमें डाल दूँगी टमाटर। एक टमाटर मैंने अच्छे से काट के रख लिया था पहले ही। इसके बाद हमें इसमें डालना है स्वादानुसार नमक। तो नमक आप ज़्यादा ना डालें, नहीं तो ज़्यादा हो जाती है तो फिर स्वाद ख़राब कर देती है। हल्दी मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा। और अब इसमें मैं डाल लूँगी पानी। एक लोटा मैंने यहाँ पे पानी लिया है और मैं इसे पूरा ही इसमें डाल दूँगी। इससे ज़्यादा आपको पानी एक बूंद नहीं चाहिए, क्योंकि थोड़ा बहुत पानी हमारा पालक भी छोड़ता है। और इसे अच्छे से हमें ढक्कन लगा के और 3 से 4 सीटी आने तक हमें पका लेना है। तो यहाँ पे गाइस हमारा 3 सीटी आ गया था और ये देखिए 4th सीटी भी आ गया है। और अब हमारी दाल अच्छे से पक गई है और जब खुशबू आने लगे ना, सीटी निकले, तो समझिए बहुत ही बढ़िया सी पकी है। तो अब मैं इसे बंद कर दी हूँ और यहाँ तड़का लगाऊंगी। तड़का लगाने के लिए मैंने 1 कलछुल के हिसाब से तेल डाल दिया है अपने तड़का पैन में। और जब आपका तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तभी आपको इसमें जीरा डालना है। तो 1 चम्मच मैंने यहाँ पे जीरा डाला है। जब जीरा हो जाए तो लहसुन डाल लेना है। 1 पोथी मैंने लहसुन डाल काट लिया था और इसे इसमें ऐड कर दिया है। लहसुन को पकाने में जल्दबाजी मत करिएगा, क्योंकि अगर लहसुन लाल नहीं होता तो उसका स्वाद भी नहीं आता। 3 से 4 मैंने सूखी लाल मिर्च ली थी, जिसे लंबी पीसेस में काटी है। अदरक का पेस्ट है यहाँ पे मैंने जो लिया है। और अब मैं थोड़ा सा इसे धीमी आंच में ही पका लूँगी, जिससे अदरक भी बहुत अच्छे से पक जाए और लहसुन भी मेरा अच्छा सा लाल हो जाए। तो ये प्रोसेस बहुत हाई फ्लेम पे मत करिएगा, नहीं आपका लहसुन जल जाएगा और आपका तड़का ख़राब हो जाएगा और आप जैसी दाल बनाना चाहते हैं वैसी नहीं बन पाएगी। तो ये प्रोसेस आपको धीमे आंच में ही करनी है। अब ये हो गया है। अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ हींग 2 से 3 चुटकी। और अब यहाँ डालूँगी मैं कश्मीरी मिर्च, लेकिन जब डालिएगा तो गैस ऑफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि अगर ऑफ़ नहीं करते हैं अगर आप गैस, तो आपका कश्मीरी मिर्च जो है जल जाएगा। तो तेल काफ़ी गर्म रहता है, उतने में ही ये पक जाएगा। यहाँ पे मैं दाल भगोने में निकाल के रख ली हूँ और यहाँ तड़का मैंने इसमें लगा लिया है। कितनी ही अच्छी लग रही है ना देखने से, यम्मी। देखते ही मन कर रहा है कि बस मिल जाए और खा ले। बहुत ही हेल्दी रेसिपी है ये पालक और तुअर दाल की। आप एक बार इसे बनाओगे ना तो बहुत ही बार बार बनाओगे, मैं आपको दिखा रही हूँ। ज़्यादा गाढ़ी दाल भी आप मत बनाइएगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा गाढ़ी दाल होती है फिर कम अच्छी लगती है। मीडियम आपको बनाना है। तो ये मेरी परफेक्ट दाल बन के तैयार हो गई है। खाने में दाल चावल बहुत ही अच्छा लगता है, इसे आप चावल से खाइए तो बहुत ही अच्छा लगता है और हेल्दी भी होता है, क्योंकि इसमें पालक पड़ा हुआ है और दाल प्रोटीन से भरपूर है। तो इसे एक बार आप ज़रूर बनाइएगा और खाइएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। अगर मिलेंगे नए वीडियो में नए रेसिपी के साथ। धन्यवाद। जय गुरुदेव।